आज हमारे चैनल पर मिशन के पुरोधा आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादर जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ और अपने श्रोताओं का बहुत आदर करता हूँ। आपको भी धन्यवाद करता हूँ बाबू की बड़ी ईमानदारी से हमारी बात को लोगों तक आप पहुँचा रहे हो। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप पूरा बहुजन समाज का, जो बहुजन समाज के लोग हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सर 14 अप्रैल नज़दीक ही है जी। सर, मैं 14 अप्रैल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ सर, कि 14 अप्रैल किस रूप में और कैसे मनाना चाहिए और बाबा साहब का जो मिशन था उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। मगर सर, 14 अप्रैल में लोग किसी दूसरे रंग रूप से मनाते हैं, जिससे कि 14 अप्रैल को लोग काफ़ी गलत तरीके से देखते हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मनाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको इस सवाल के लिए और अपने समस्त बहुजन समाज 85 मूल निवासी के लोगों का भी धन्यवाद सादर जय भीम करता हूँ। और जो 14 अप्रैल का सवाल आपका है जी, इस भारत देश के लिए 85 मूल निवासी समाज के लिए जी बड़े ही गौरव का दिन है। और मैं जानता हूँ कि जितना बेहतरीन तरीके से जी 14 अप्रैल के उस पावन अवसर को बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य बीआर अम्बेडकर साहब की जयंती है जी, इस जन्म उत्सव को इतनी हर्षोल्लास से मनाना चाहिए कि पता चले लोगों को कि नहीं, कोई व्यक्ति इस धरती पर ऐसा था कि जिसका इतनी हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं जी। लेकिन कभी कभी बड़ा दुख होता है हमें कि लोग बाबा साहब को जानते तो हैं लेकिन उनकी मानते नहीं। और बाबा साहब इस चीज़ को बार बार कह रहे थे, मुझे मूर्तियों में मत खोजो जी, मुझे किताबों में तलाशो, मूर्ति देखकर मेरी पूजा मत करो जी, मेरी विचारधारा को किताब पढ़ करके एक्सेप्ट करो। तो आज जो हमारा युवा समाज है जी, ये थोड़ा भटक चुका है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ और मैं बार बार कहता भी हूँ कि इस दिन उस महानायक का जन्मदिन है जिन्होंने 1000, 2000, 4000 नहीं करोड़ों करोड़ सोचतों के जीवन को उन्होंने बदल दिया। यहाँ लोग केवल पैदा इंसान के रूप में थे लेकिन जानवर के बराबर भी इनकी हैसियत नहीं थी, उनको इंसान के साथ साथ वो सम्मान दे दिया जिस सम्मान की कोई कल्पना नहीं कर सकता। सरकारी सिस्टम में नाली साफ करने का अधिकार नहीं था लेकिन वहाँ से हट उठा करके इन्होंने सदन में पहुँचा दिया बाबा साहब ने। अब हमारे युवा लगा देंगे डीजे, उस पर ढिक ढिक करेगा जी, ये दारू पिएंगे और दारू पी के खूब नाचेंगे जी, नारा लगाएंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा जी, हम सब अब करेंगे पूरा। लेकिन मैं जानता हूँ ये पूछ दिया जाए तो 70% देश का युवा नहीं बता पाएगा कि बाबा साहब का मिशन क्या था। मिशन का मतलब एक विचारधारा होती है, बाबा साहब क्या चाहते थे देश को जी, भारत को क्या बनाना चाहते थे, उनका विचार क्या था। बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी पटल को बुद्ध की शरण में उन्होंने समर्पित किया और बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में समानता और समता ला करके पूरे भारत को बुद्धमय बनाना। बाबा
बाबा साहब का ही मिशन था, बाबा साहब का ये मिशन था कि देवी देवताओं से अपने लोगों को दूर हटाना, क्योंकि अगर हमारी 85 मूल निवासी समाज के लोग देवी देवताओं के चक्कर में, मंदिरों के जाल में अगर फंसे रह गए तो अपने भविष्य को कभी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। बाबा साहब का मिशन था कि हमें अपने पिछड़े समाज को ऊंची से ऊंची, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने का उनका ये मिशन था। बहुत सारे उनके मिशन हैं। अब यहाँ यह है कि जैसे कलाकार कहते हैं कि हम मिशन गायक हैं जी, बाबा साहब का जन्मदिन गाने से केवल मिशन पूरा नहीं होगा जी। बाबा साहब का उद्देश्य क्या था जी, भारत के लिए और भारत के 85 मूल निवासी समाज के लिए, इस उद्देश्य को समझना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति उद्देश्य को नहीं समझेगा तब तक विचारधारा उसके समझ में आने वाली नहीं है। तो अब बाबा साहब ने जो ताकत दे दिया हमें, उस ताकत को हमारे लोग दुकान समझ लिए। इसी पिछड़े समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। पिछड़े समाज के जितने भी हैं, वो चाहे सदन में बैठे हों, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत के गए हों, चाहे समाजवादी से, चाहे बहुजन समाज से, चाहे कांग्रेस से, चाहे CPM CPI से, किसी भी पार्टी से, जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है उसको वहाँ पहुँचाने में सबसे बड़ा श्रेय बोधिसत्व बाबा साहब पूज B.R. अम्बेडकर का है। और बाबा साहब ये जानते थे कि जब मेरे लोग चुन करके सदन में जाएंगे, मेरे लोग पढ़ करके IAS बन करके शासन में जाएंगे, मेरे लोग स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे डॉक्टर बन करके, मेरे लोग न्याय विभाग में जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे जजेस बनकर, वकील बनकर, तब इस समाज का कल्याण होगा। लेकिन हमारे लोग सब कुछ पा गए, जो IAS बन गया वो अब अपने लोगों को ही सताने का प्रयास कर दिया है। कभी भी मैं पीछे एक गीत गाया था, भीम भगवान हो बना गीला बिगड़ी, पहले गीत मेरी 2-3 साल पहले मैं उसमें गाया था और उसमें समझाया था कि थोड़ी भी बाबा साहब के त्याग और बलिदान की तहजीब अगर है मन में तो पिछड़े समाज का जो बड़ा अधिकारी है कम से कम अपने समाज से 1 से 2 बच्चों को टैलेंट करे, क्योंकि जब ये पूरा समाज विकसित होगा तब हमारा समाज मजबूत होगा और मजबूती से विकास कर पाएगा। अब आज इलेक्शन आता है तो बाबा साहब ध्यान में आते हैं, चाहे कोई भी सरकार, इलेक्शन खत्म, बाबा साहब की विचारधारा खत्म। अभी आदमी बहुजन समाज पार्टी में किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से जब चुनाव लड़ रहा है या चुनाव लड़ा है तो बाबा साहब के यहाँ जा कर के माला पहनाता है जी। लेकिन जब बहुजन से निकल के किसी दूसरे दल में जाता तब हनुमान को माला पहनाता, तब बाबा साहब का ध्यान उतर जाता है। बाबा साहब के बल पर पिछड़े समाज के लोग जो विधानसभा में, विधान परिषद में, उच्च सदन में जो बैठे हैं, एक दल, एक संगठन का ठेकेदार बन के, वो संगठन पिछड़े समाज के लिए 100 गलत करे, संविधान के लिए 100 गलत करे, लेकिन मुंह में जाबा बांध के बंदरों की तरह उनका समर्थन करते हैं। बाबा साहब इसीलिए आगरा में फूट फूट के रोए थे कि मुझे मेरा पढ़ा लिखा समाज धोखा दे रहा है, अनपढ़ों से मेरी शिकायत नहीं है। यही चीज को मैं बार बार कह रहा हूं, लड़ने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सदन में बैठने का अधिकार, ये सब कुछ बाबा साहब ने पिछड़े समाज 85 मूल निवासी को, चाहे वो SC से हो, ST से हो, चाहे OBC से, सबको दिए। तो जय भीम कहने में क्यों जबान कट रही है भाई, मत करो कुछ,
केवल एक हिम्मत बना लो कि हमें हर व्यक्ति को जय भीम करना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, जो आज हमारे जीवन में सुख शांति आई है, जो आज हमारे जीवन में विकास हुआ है, इस सब के पीछे बाबा साहब की देन है। तो हम साल में एक बार, मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि इसी देश में दलित समाज, मैंने पीछे डिबेट में बताया था कि दलित में चमार एक ऐसी शानदार कुंभ है कि जो भारत में पिछड़े समाज की हैसियत और अहमियत को बना करके रखी है। बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब की पुण्यतिथि सिर्फ इस देश में चमार समाज मनाता है। हमको जो लगता है उस भाषण में, सुनिए पहले, उस मंच पर भाषण देने के लिए सारे लोग जाते हैं, लेकिन हैसियत किसी के पास नहीं है, चाहे वो यादव वंश का हो, चाहे मौर्य वंश का हो, चाहे राजभर वंश का हो, कि अपने गांव में आए, अपने दरवाजे पर इस तरीके का कार्यक्रम करा ले। तो जब तक एक गुलामी और एक गोबर दिमाग से व्यक्ति बाहर नहीं निकालेगा, तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे, और आने वाली स्थिति जो हो रही है इनकी वो तो होनी ही है। इनकी जयंती को पूरा देश भर में मनाई जाती है सर, मगर अधिक से अधिक दलित के ही लोग क्यों मनाते हैं सर? भाई दलित जानता है जी, दलित इनकी, मान लीजिए लोग कहते हैं कि अरे बाबा साहब दलित समाज के थे इसलिए दलित मनाते हैं, लेकिन मैं इन मूर्खों से पूछना चाहता हूँ कि ललई यादव दलित नहीं थे, तो यादव समाज के ओबीसी समाज से थे। बताए प्रदेश का यादव की कितनी यादव ललई यादव का जन्मदिन मनाता है, लेकिन इस देश का चमार समाज ललई यादव का जन्मदिन मनाता है। जोधपुरा फूले दलित समाज से नहीं थे, वो तो ओबीसी समाज से थे। पेरियार रामास्वामी नायकर एससी से नहीं थे, ओबीसी समाज से थे। पेरियार रामास्वामी नायकर को इस देश का चमार होता है, मनाता है, उनके विचारों को फॉलो करता है, इसलिए कौम इतनी मजबूत है। और इन्होंने ब्राह्मणों की आधीनता स्वीकार नहीं किया, और ओबीसी समाज पेरियार को नहीं पढ़ता, ललई यादव को नहीं पढ़ता, ज्योतिबोराव को नहीं पढ़ता, संत गाटके को नहीं पढ़ता, छत्रपति साहू जी को नहीं मानते हैं। वो किसको मानते हैं? हनुमान जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को। ब्रह्मा विष्णु हनुमान इंद्र की क्या भूमिका है पूछ दीजिए तो घबराया हुआ मुंह जैसे कहें क्या करें, हमारे बाप दादा सब पूछते थे तो हम भी पूछते थे। बाप दादा तो अनपढ़ गंवार थे, बाप दादा का जो जीवन था उनके तो कहाँ अरे फलनवा आप लेके सारे जल्दी, और इस तरीके का भाषा प्रयोग होता था। आपके सामने हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब की ताकत आज है, उनका संविधान है, इसलिए किसी की हैसियत नहीं कि ये शब्द आपको बोल दे। बुलाता कौन था जो ब्रह्मा विष्णु को पूजने वाला पूजवाने वाला था? इससे दूरी कौन किया हमें? सम्मान कौन दिया? बाबा साहब दिए। कौन सी बीमारी है कि बाबा साहब को अब तक नहीं आप समझ पाए? खाली बाबा साहब का नाम लेने से काम चलेगा? बाबा साहब की विचारधारा का स्मरण करना पड़ेगा, बाबा साहब की कौन सी विचारधारा थी, बाबा साहब इस देश को कहाँ ले जाना चाहते थे, देश को क्या बनाना चाहते थे? जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तब मिलेगा, रामायण पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। चलिए सर, आप अपनी बातों से यही साबित करना चाहते हैं कि डीजे बजा के और पी के बाबा साहब का डीजे बजाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ मत करो। बाबा साहब की फोटो लगा करके, मोमबत्ती जला करके, वहाँ गांव के युवाओं को, गांव के लोगों को बटोर करके, बाबा साहब के विचारों में जो पढ़ा लिखा जो उनके बारे में जानता है, बाबा साहब के विचारों पर लोगों को स्मरण करवाओ। अभी मैं पढ़ रहा था, बाबा साहब जब अस्वस्थ हो गए तो डॉक्टर ने कहा बाबा साहब से कि इंग्लिश का थोड़ा दारू, एक ढक्कन शराब लीजिए, आपका कुछ जीवन और लंबा हो जाएगा। बाबा साहब ने क्या कहा कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, सूरा मेरा मज्जे पदम अठाना भी रमणी सिखा पदम समाधिया। तथागत बुद्ध कहते थे शेर से मत डरना, लेकिन शराब से डर जाना, क्योंकि शेर तुम्हारी हत्या करेगा, शराब तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करेगा।
तो मैं तथागत का अनुयायी हूँ, तथागत को मानता हूँ, मैं मर जाना उत्तम समझता हूँ, लेकिन जीने के लिए मैं दारू को नहीं छू सकता। ये समाज क्या कर रहा है? ये जब बाबा साहब की जयंती आ जाएगी तो पूरा खोज के विलेख भले मिले, पी के कन्हैया मारते हैं, ऐसे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। बाबा साहब के मिशन के लिए त्याग करना पड़ेगा, और बाबा साहब जितना त्याग किए उसका आधा परसेंट अगर इस समाज त्याग कर दे, मैं जानता हूं कि भारत की तस्वीर बदल जाएगी। इस पूरे भारत में कोई बता दे मुझे, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, एक दो की बात नहीं, कि समाज के लिए कोई अपने बेटा बेटी को बलिदान किया हो, समाज के लिए कोई अपनी विद्वता का बलिदान किया हो, समाज के लिए कोई अपने पद का बलिदान किया हो, ये हैसियत श्री बाबा साहब में पैदा थी। तो इसलिए मैं समाज को समझाता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को जानो। 14 अप्रैल मनाने के लिए, बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा डीजे लगाओ और दारू पी के नाचो कि बाबा साहब की आज जयंती है। मत लगाओ डीजे, गोष्ठी करो गांव में, 10 घर के लोग मिल करके करो, नहीं पूरा गांव में सहमति, पूरे गांव के लोग एक जगह बैठिए और एक जो विद्वान आदमी है जो बाबा साहब के बारे में जानता है, नहीं जानता होगा तो किसी दूसरे गांव से बुलाइए, और बुला करके बाबा साहब के विचारों पर विमर्श करिए, लोगों को समझाइए, आदान प्रदान करिए कि बाबा साहब हमें इस तरीके से रहने के लिए कहा था और हम इस तरीके से रह रहे हैं, इसलिए आज भी हम शोषित, आज भी अधिकार वंचित समाज हम हैं। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करना पड़ेगा, हमें दारू से दूरी बनाना पड़ेगा, हमें आपस में सामंजस्य बना करके रहना पड़ेगा। ये थोड़ा कि बड़ा टेंट लगा के, बड़ा डीजे लगा के, बड़ी फोटो लगा के बाबा साहब का दारू पी के कन्हैया मारो तो बाबा साहब का मिशन पूरा होगा, ये गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।